जयपुर सीएसटी टीम ने सोमवार देर शाम को तीन थाना इलाके में मादक पदार्थ बेचने वाली तीन महिला व एक युवक को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास स्मैक, गांजा व बिक्री की रकम बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुलेश चौधरी ने बताया कि पहली कार्यवाही जवाहर नगर थाना इलाके में की गई। यहां कच्ची बस्ती निवासी मोनू सांसी व टीला नंबर 2 निवासी ममता सांसी को गिरफ्तार कर 175 ग्राम गांजा, 1.5 ग्राम स्मैक व बिक्री राशि 93,500 रुपए बरामद किए हैं। दूसरी कार्यवाही शिवदासपुरा इलाके में की गई। यहां खाना बदोश महिला तस्कर रवीना मालावत को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 5.55 ग्राम स्मैक एवं बिक्री राशि 2,020 रुपए बरामद किए गए। वहीं तीसरी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में की गई। यहां आमागढ़ निवासी रजनी सांसी को गिरफ्तार कर 730 ग्राम गांजा व बिक्री राशि 8,760 रुपए बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों से सप्लायर एवं खरीदने वालों के बारे में पूछताछ की जा रही है।